हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि समघात अवकल समीकरण के कुछ क्वेश्चंस दिए थे। वीडियो इसीलिए नहीं दिया था क्योंकि मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके दिए थे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, आपको उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। आज हम करने जा रहे हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिन्हें हम होमोजीनियस इक्वेशन में रिड्यूस कर पाएँ, उनको कन्वर्ट कर पाएँ। तो यहाँ हमें एक इक्वेशन दे रखी है जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट की है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन कैपिटल ए स्मॉल एक्स है प्लस कैपिटल बी स्मॉल वाई प्लस आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यदि इस फॉर्म की कोई इक्वेशन है तो हम इसे होमोजीनियस इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। फिलहाल ये होमोजीनियस नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर में सी और डिनोमिनेटर में कैपिटल आर होने की वजह से होमोजीनियस नहीं है। तो हम केस फर्स्ट लेते हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट केस लिया जिसमें ए स्मॉल ए अपॉन कैपिटल इज़ नॉट इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी और स्मॉल ए इंटू बी माइनस स्मॉल बी इंटू कैपिटल इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ वेरिएबल्स एक्स और वाई को हम नए वेरिएबल्स कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में कैसे चेंज करते हैं, स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई की जगह वाई प्लस के रख करके, और हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई वेरिएबल्स रख लेंगे। अब मैं जहाँ पे भी चलिए फिर हम जहाँ ये एच और के हैं वो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं, स्वेच अचर हैं। अब इनको हम इस तरीके से चूज़ करते हैं कि जो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजेनियस इक्वेशन में चेंज हो जाए। तब हमने सबसे पहले क्या किया, जो हमारे पास इस जो हमने एज्यूम किया था स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल यानी कि एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई इज इक्वल टू वाई प्लस के यानी कि इक्वेशन नंबर 2, उससे हमें क्या मिलता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स। अब इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 से, तो हमने डी वाई बाई डी एक्स की जगह थर्ड इक्वेशन से लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स, और राइट हैंड साइड में जहाँ स्मॉल एक्स था वहाँ एक्स प्लस एच और जहाँ स्मॉल वाई था वाई प्लस के रखा। हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए एच प्लस बी के प्लस सी, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा कैपिटल ए कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल बी कैपिटल वाई प्लस ए एच प्लस बी के प्लस आर। इसको देते हैं हमने इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ हम एच और के इस तरह से चूज़ करते हैं कि ए एच प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो जो न्यूमरेटर में था, और जो डिनोमिनेटर में था कैपिटल ए एच प्लस कैपिटल बी के प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। ये दोनों जीरो रखते ही हमारे पास उनको हम सॉल्व करें, और सॉल्व करने में हमें एच और के की साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व किया, एच और के की वैल्यू मिल गई। अब क्योंकि हमें पता है एच और के में कि हमने शुरू में कहा ए बी माइनस जो हमारे हमने एज्यूम किया था केस नंबर 1 से, तो स्मॉल ए कैपिटल बी माइनस स्मॉल ए कैपिटल ए माइनस कैपिटल ए बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्लियरली एच भी वैलिड है और के भी वैलिड है क्योंकि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो है। एच और के कैलकुलेट हो गए, तो हमारे पास में डी वाई बाई डी एक्स जो अपने पास इक्वेशन नंबर 4 थी उससे डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई। अब ये होमोजेनियस इक्वेशन बन चुकी है। क्योंकि ये होमोजेनियस इक्वेशन बन चुकी है तो जो हमने लास्ट आर्टिकल जो हमने कल किया था उसके हिसाब से हम वाई इज इक्वल टू वी एक्स रखकर जैसे कि पहले किया था उसको होमोजेनियस इक्वेशन की तरह सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल सेम तरीके से। सेकेंड केस, सपोज जो मैंने कहा था स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी बराबर हों, बराबर हों तो क्या होगा, ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू जीरो। इस सिचुएशन में हम इस इक्वेशन को जो अपन ने अभी पहला मेथड किया केस 1 वो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम एच और के की वैल्यू ही प्राप्त नहीं कर सकते। उस केस में हम क्या करते हैं कि a अपॉन कैपिटल a इज इक्वल टू b अपॉन कैपिटल b को मान लेते हैं 1/m, और हम इक्वेशन रख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसमें जो अपना डिनोमिनेटर है उसमें वहाँ क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर तो एज इट इज आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा m इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस आर। अब इस इक्वेशन में हम ax प्लस बी वाई को w
ले लेते हैं, और जैसे ही w हम लेंगे तो dw by dx हो जाएगा a प्लस b dy by dx डिफरेंशिएट करने पर, और इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन b इन प्लेस ऑफ dy by dx, dw by dx माइनस a, और राइट हैंड साइड हो जाएगी a w प्लस c अपॉन mw प्लस r। dw by dx सॉल्व कर लिया और क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, तो जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी वेरिएबल सेपरेशन की, हम उसे इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ। हमारे पास सपोज इक्वेशन है dy by dx is equal to x plus 2y minus 3 and 2x plus y minus 3। क्लियरली इस इक्वेशन को देखने पर साफ दिखाई देता है कि हमें यहाँ पे सेपरेट वेरिएबल नहीं हो सकते हैं, ये इस समय होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। तो हमने जो दो चैप्टर पढ़े थे उसके आगे हमें दिखाई दे रहा है दोनों से सॉल्व नहीं हो सकता। अब हम आते हैं थर्ड जो हम आज पढ़ रहे हैं, होमोजीनियस इक्वेशन में रिड्यूस करना। तो हमने उसके लिए क्या किया, अभी जो मैंने मेथड बताया x is equal to x plus h, y is equal to y plus a, क्योंकि यहाँ 1 upon 2 is not equal to 2 upon 1। ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस में बदल जाएगी, dy by dx सब्सटीट्यूट कर दिया x की जगह x plus h और स्मॉल y की जगह y plus k। अब h और k कैसे चूज किए हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 h plus 2k minus 3 जो न्यूमरेटर में था इज इक्वल टू 0 और 2h plus k minus 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे, h और k की वैल्यू आ जाएगी 1। अब इस इक्वेशन को जो हमारे पास दोनों को 0 रखा है उससे हमारी इक्वेशन नंबर 1 चेंज हो जाएगी, dy by dx is equal to x plus 2y upon 2x plus y which is homogeneous equation। अब y is equal to vx, बिल्कुल जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया, dy by dx is equal to v plus x dv by dx, dv by dx is equal to 1 plus 2v upon 2 plus v, डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह जो अपनी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह सॉल्व किया, और लास्ट में क्योंकि एच और के की वैल्यू 1 थी तो कैपिटल एक्स हो जाएगा एक्स माइनस 1, कैपिटल वाई हो जाएगा वाई माइनस 1, और सब्सटीट्यूट कर दिया इनको जो हमारे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई कैपिटल वी में कैपिटल एक्स और वी में जो हमारा आंसर था तो वी की जगह कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल एक्स, और इन कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पर हमें इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा।